जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली उन सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है जो आर्मी में जाने का सपना देखते हैं या SSGD के थ्रू किसी भी CAPF फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो असम राइफल, CRPF, BSF, ITBP या इंडियन आर्मी। तो इन सभी में जाने का जिनका सपना होता है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें बहुत ही खास मैं जानकारी देने वाला हूँ, वो है यूनिफॉर्म के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी फोर्स की कौन सी यूनिफॉर्म होती है, कितनी यूनिफॉर्म होती है। आपको पता है हर एक फोर्स की एक यूनिफॉर्म नहीं होती, जो आप कई बार मान लेते हो कि एक यूनिफॉर्म होती है सभी फोर्स की। सभी फोर्स की अलग होती है, अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, हर एक सेक्टर की अलग यूनिफॉर्म होती है, उनके कुछ खास खास जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि किसकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो या SSGD किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से किस फोर्स की कैसी यूनिफॉर्म होती है और वो कब कब पहनी जाती है और किस टाइप की, मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग होती है, एक ही फोर्स की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है और कब पहनी जाती है, उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही बता दूं दोस्तों, अगर आप आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हो, आर्मी, SSGD या बैंक या किसी भी प्रकार की या फोर्स की डिफेंस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या आप अपना टेस्ट चेक कर रही है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये परीक्षा ऐप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो आप जाके इस ऐप को इंस्टॉल करिए, इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत ही शानदार, इसमें लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मेरा प्रोमो कोड है कमांडो50, उसको यूज़ करने से आपको 50% डिस्काउंट में इसकी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। आप एक बार जाके चेक करिए कि किस प्रकार से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, तो उससे आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा उससे कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने आप पानी में और कितने पानी से बाहर हो दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं किससे शुरू करें, सबसे पहले इंडियन आर्मी से शुरू करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि इंडियन आर्मी की ड्रेस, सभी फोर्स को आर्मी बोलते हैं या किसी को अलग अलग फोर्स को पहचान नहीं पाते। आर्मी की ड्रेस तो आप सभी को पता होगी कि आर्मी का ड्रेस, क्योंकि देश को आप सभी को पता है कि जितने भी आर्मी फौजी बनने वाले हैं उन सभी को, तो आर्मी की दोस्तों एक ड्रेस होती है ये कॉम्बैट ड्रेस इसको बोलते हैं, दूसरी ड्रेस होती है ये वाली, ये जो ड्रेस है ये सेरेमोनियल ड्रेस भी के रूप में भी काम में लेते हैं, साथ में जब ऑफिस वर्क के लिए भी पहनी जाती है। ये दो ड्रेस होती है, एक कॉम्बैट ड्रेस और एक ये ड्रेस, ये दो ड्रेसें होती हैं। कॉम्बैट ड्रेस जैसे अगर बाहर ड्यूटी कर रहे हैं या ऑफिस ड्यूटी कर रहे हैं उसमें पहनी जाती है विशेष रूप से, और ये ऑफिस वर्क के लिए पहनी जाती है दोस्तों, इसको सेरेमोनियल ड्रेस भी बोला जाता है। इसके अलावा अब शुरुआत करते हैं CAPF की जितनी भी वैकेंसी आती है उनके बारे में। सबसे पहले NIA दोस्तों, NIA का एक ही ड्रेस कोड है ये, इस प्रकार से ज़्यादातर ये सिविल ड्रेस में रहती है, CBI के रूप में काम करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई ड्रेस यूज़ करते हैं तो वो है खाकी, दूसरी खाकी ड्रेस जो पुलिस फोर्स यूज़ करती है उसी प्रकार की, उसमें बैच अलग होते हैं, NIA के बैच होते हैं। बाकी ज़्यादातर आप इनको NIA को देखोगे वो देखोगे इसी ड्रेस में, ये प्रकार का एक कोट पहन रखा है, उसमें NIA लिखा हुआ है पीछे, आगे भी लिखा हुआ रहता है, बैच बना हुआ रहता है, उसका बैच भी आप ऊपर देख रहे हो NIA का, सिविल फोर्स की तरह ये काम करती है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, SSGD के थ्रू सबसे टॉप मेरिट रहती है इसकी। उसके बाद में हम आते हैं असम राइफल। आपको पता है कई लोगों को लगता है असम राइफल और जो आर्मी की ड्रेस है बिल्कुल सेम है, तो सेम है, थोड़ा सा कुछ फ़र्क है वो बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये दोस्तों ये है असम राइफल की, ये कॉम्बैट है असम राइफल की, दूसरी ये सेरेमोनियल ड्रेस है असम राइफल की, ये सेरेमोनियल ड्रेस है असम राइफल की, जो सेरेमोनियल ड्रेस जो परेड में पहनते हैं परेड के लिए, हेट लगा रखी है वो असम राइफल की है, वो हेट है जो। उसके अलावा जो डिफरेंस होता है वो क्या था दोस्तों, डिफरेंस होता है केप में, इनके केप पे जो बैच होता है असम राइफल के उसमें और आर्मी की केप पे जो बैच होता है उसमें, तो ये मेन इनमें डिफरेंस होते हैं इनकी केप में, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी असम राइफल है और कौन सी आर्मी केप, देखते आप पहचान जाओगे कि आर्मी की केप है और ये असम राइफल की केप है। तो ये इसकी दो प्रकार की वर्दी होती है दोस्तों, एक सेरेमोनियल एक कॉम्बैट ड्रेस है जो मैंने बताया कि ड्यूटी के दौरान पहनते हैं। उसके बाद में ITBP की एक ड्रेस है कॉम्बैट ड्रेस, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, दूसरा खाकी ड्रेस, इसको खाकी बोलते हैं, ये ऑफिस वर्क के लिए पहन जाते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस भी इसको बोलते हैं, और साथ में विशेष रूप से ये जब परेड वरेड करते हैं उस समय ये ड्रेस पहनी जाती है, जैसे दिल्ली राजपथ पे परेड करते हैं तभी पहनते हैं, और ऑफिस वर्क के लिए विशेष यही पहनते हैं, जितने भी कलर इसमें लगते हैं वो भी यही ड्रेस पहनते हैं, उनको कॉम्बैट ड्रेस कम ही पहनने को मिलता है, ज़्यादातर उनको इसी ड्रेस में रहते हैं दोस्तों। ITBP हो गई, इसके बाद में हम लेते हैं CISF, ये CISF की कॉम्बैट ड्रेस है दोस्तों, केप भी साथ में दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि अच्छा रहे, उनका लोगो भी दिखा रहा हूँ, वो लोगो केप पे भी बना रहता है, जो लोगो आप उधर देख रहे हो केप के यहाँ पे जो लगता है
उस पर भी बना रहता है दोस्तों। दूसरी ड्रेस इनकी भी खाकी है पुलिस वर्दी की तरह, लेकिन यहाँ पर बेच आपको CISF लिखा हुआ मिलेगा, टोपी पे CISF लिखा हुआ मिलेगा, उस CISF का लोगो रहेगा। इसको भी ड्रेस मैंने जैसे बताया कि ये भी ऑफिस वर्क के लिए या कलर पिंक के लिए पहनते हैं, साथ में अगर कोई परेड हुई या सेरेमोनियम ड्रेस के रूप में, सेरेमोनियम यानी जब कोई बड़ा अधिकारी आता है या कहीं जो गेट पे ड्यूटी लगते हैं वो छल्ला उल्ला लगा के वो सांप वाँप पहन के या राजपथ पे चलते हैं उसको बोलते हैं सेरेमोनियम, तो उसमें ये ड्रेस पहनते हैं। इसके बाद में आते हैं CRPF, तो ये CRPF की ड्रेस है, इस प्रकार की ड्रेस होती है CRPF की। कॉम्बैट ड्रेस, और भी पैटर्न है, एक ही पैटर्न नहीं है CRPF में, और भी कई पैटर्न है जिनकी ड्रेस पहनते हैं, जैसे ये लाइट कलर है, फेड कलर की भी होती है, कुछ पुराने पैटर्न भी चलते हैं उसमें भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी कॉम्बैट पहन सकते हैं। उसके अलावा एक खाकी ड्रेस जैसे मैंने बताया कि ऑफिस वर्क के लिए और सेरेमोनी में दिल्ली परेड राजपथ के लिए परेड में पहनते हैं, परेड में कई बार वो सांप पगड़ी वगड़ी लगा के पहनते हैं और कई बार टोपी लगा के उसके ऊपर वो तुरा कलंकी जैसा वो लगाते हैं, शादियों में लगाते हैं उस प्रकार का तुरा कलंकी लगा के वो पहनते हैं। उसके बाद में BSF की कॉम्बैट वर्दी आप सभी पहचानते होंगे, ये BSF की कॉम्बैट वर्दी और खाकी वर्दी CRPF की तरह इसी की भी सेम है, BSF की भी जो उसी काम में पहनी जाती है जो मैंने बताया। उसके बाद में SSB की ड्रेस और CRPF की कॉम्बैट ड्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं कलर का, बाकी सेम चीज़ दिखती है, लेकिन अलग आपको पहचान हो जानी चाहिए कि कौन सी SSB की है और कौन सी CRPF की, आपको पहचान होनी चाहिए। ये SSB की और वो उनकी खाकी ड्रेस, सेम खाकी ड्रेस है, सेम ही खाकी ड्रेस आपको पहचान गए होंगे, उसका लोगो भी आप देख लो, SSB का लोगो भी अलग है। तो हो गई BSF, हो गई ITBP, हो गई CISF, हो गई CRPF, हो गई SSB, हो गई असम राइफल, हो गई। तो ये इनकी ड्रेस का कोड है दोस्तों, आप सभी के समझ में आ गया होगा, ये इनका ड्रेस का कोड है, यानी इस प्रकार की यूनिफॉर्म होती है सभी की। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि किसकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, इसीलिए मैं आपको आज ये यूनिफॉर्म का वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले कि कौन सी यूनिफॉर्म कौन सी फोर्स पहनती है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब विशेष जैसे आर्मी की जो वर्दी है उसमें थोड़ा सा जैसे कलर फेडनेस का उसका फ़र्क पड़ता रहता है, बाकी जो मेन पैटर्न है चाहे किसी भी फोर्स का वो मैंने आपको दिखा दिया है। इस फोर्स में ये यूनिफॉर्म वो पहनते हैं, कैप वेप सब आपको मैंने बता दी किस प्रकार की कैप पहनते हैं, कैप का क्या डिफरेंस होता है, कैप में कहाँ लोगो, यहाँ पे जो लोगो होता है उसी डिपार्टमेंट जो आप ऊपर जो लोगो देख रहे थे वो लोगो यहाँ पर भी होता है जब कैप लगाते हैं, सभी कैप में CRPF का जो लोगो आप देख रहे हो वो यहाँ पर जैसे जिस साइड में होगा उस साइड में होगा आपको सामने से कैमरे से, तो टोपी पे लगाया रहेगा। SSB का जो लोगो रहेगा वो भी यहाँ पर लगा रहेगा उनके, और खाकी ड्रेस इनकी सेम है, थोड़ी सी असम राइफल की अलग है, आर्मी की अलग है पूरी, और असम राइफल थोड़ी सी अलग है। तो इस प्रकार की यूनिफॉर्म में पहनती है सभी फोर्स। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब फोर्स किसी को भी देखो तो पहचान लेना चाहिए कि ये कौन सी फोर्स, ठीक है, नहीं तो CISF को CRPF, CRPF को BSF, BSF को ITBP आप समझने लग जाओगे, तो ऐसी गलती अब आगे से नहीं करनी है दोस्तों। समझ में आ गई, जय हिंद जय भारत।